हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी हेल्थ गाइड। दोस्तों, 6 महीने तक के शिशुओं को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं खिलाया पिलाया जाता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। इसलिए अधिकतर माता पिता 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध या जरूरत पड़ने पर फॉर्मूला मिल्क ही देते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का पूरा हुआ नहीं कि पेरेंट्स उन्हें हर चीजों का स्वाद दिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन 1 साल से छोटे बच्चों की किडनी, लीवर और कई अन्य अंग सही तरह से डेवलप नहीं होते हैं। ऐसे में 12 महीने से कम उम्र के बच्चों को गर्मियों की डाइट में बहुत सारी चीजों को शामिल करने से बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन्हीं फूड्स के बारे में। नंबर 1, आइसक्रीम। दोस्तों, आइसक्रीम दूध से बनी होती है। 1 साल के छोटे बच्चे को गाय या भैंस का दूध पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आइसक्रीम खाने से उन्हें एलर्जी, पाचन से जुड़ी समस्याएं, पेट दर्द हो सकता है। नंबर 2, चॉकलेट्स। दोस्तों, चॉकलेट शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके सेवन से उन्हें स्लीप डिस्टरबेंस की समस्या हो जाती है, पेट भरा हुआ महसूस होता है, इसलिए बच्चा खाना खाने से बचता है। इतने छोटे बच्चे को चॉकलेट खिलाने से उनके लीवर पर भी बुरा असर पड़ता है। नंबर 3, फास्ट फूड। दोस्तों, शिशुओं को चिप्स, फ्राइज जैसी चीजें खिलाने से उनकी किडनी पर असर पड़ता है, क्योंकि इनमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है जो किडनी को नुकसान पहुंचाती है। नंबर 4, खट्टे फल। दोस्तों, 12 महीने से कम उम्र के बच्चे को खट्टे फल ना खिलाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में उन्हें फ्रूटी पिलाने से पेट से जुड़ी समस्याएं और लीवर पर दबाव पड़ने लगता है। नंबर 5, भैंस का दूध। दोस्तों, शिशुओं को 1 साल की उम्र तक भैंस का दूध पिलाने से बचना चाहिए, क्योंकि भैंस के दूध में असंतुलित पोषक तत्व होते हैं जो बच्चों में कब्ज या लीवर से जुड़ी समस्याओं का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।